अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा एक डिजाइन शेयर करूंगी, जो कि बनाना बेहद ही आसान है और देखने में खूबसूरत लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम दो दो के हिसाब से हम फंदा डाल रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। दो दो के हिसाब से हमने इसमें 22 फंदा डाला हुआ है। अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें स्टिच कुछ भी नहीं रखना है। दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, बहुत ही अलग तरह का ये डिजाइन है और बिल्कुल ही नया है। आप इस डिजाइन को एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये दो तीन सिलाई इसी तरह से दो फंदा सीधा दो फंदा उल्टा का एक बॉर्डर बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। दो तीन सिलाई बना ले रहे हैं, फिर आगे मिलेंगे आपसे। ये देखिए, हमने चार सिलाई बना लिया है, दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा। चलिए आगे बनाना स्टार्ट करते हैं। दो फंदा सीधा बना लिए, अब दो फंदा उल्टा बना लेंगे। फंदा पीछे करेंगे, ये दो फंदा सीधा है, इसको ऐसे सिलाई पर लेंगे और इस तरह से फंदा लपेटेंगे। एक बार फंदा लपेटें, हम दोबारा फंदा लपेटेंगे और फंदा पीछे करके इस तरह से दो फंदा को हम सीधा बना लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे कर लेना है, दो फंदा को स्लिप करेंगे, फंदा अपनी साइड करेंगे और ऐसे करके लपेटेंगे। ये देखिए, बेहद ही आसान है ये डिजाइन फ्रेंड, एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ये देखिए इस तरह से। दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, ये हमारा डिजाइन का फर्स्ट रो है। फंदा पीछे कर लेते हैं, फिर दोनों फंदा सीधा को इस तरह से स्लिप करके हम डबल लपेटेंगे। ऐसे दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। आ जाते हैं हम उल्टा में। उल्टा में जहाँ पर हमें सीधा दिखेगा वहाँ पर सीधा बनाएंगे और जहाँ पर उल्टा दिखेगा वहाँ पर उल्टा बना लेंगे।
फ्रेंड्स, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दें। अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर में ज़्यादा से ज़्यादा इस डिज़ाइन को शेयर कर लें। ये देखिए, अगर सीधी सिलाई में एक फंदा सीधा और दूसरा फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करेंगे। अब ये उल्टा और ये सीधा दोनों को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, आगे पीछे करके सीधा आगे रखना है और उल्टा पीछे सीधा बना लेंगे और फिर ये उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम पीछे से एक और उल्टा लेंगे, आगे से सीधा लेंगे और इसे उल्टा बना लेंगे, इसे सीधा बना लेंगे। इसके बाद हम फिर से ये दोनों फंदा को आगे पीछे करके ऐसे हम टर्न कर लेंगे और दो फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर पीछे से हम एक फंदा लेंगे और आगे से एक फंदा लेंगे। दोनों को इस तरह से टर्न करते हुए हम दो फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके फ्रेंड, बहुत ही अलग तरह का ये डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ऐसे करके ये देखिए, इस तरह से एक फंदा सीधा, अब यहाँ पर ये उल्टा बन जाएगा। आ जाते हैं हम उल्टा साइड में। अब उल्टा में फिर से जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बनेगा, दो उल्टा दो सीधा, जहाँ पर उल्टा दिख रहा है वहाँ पर उल्टा बना रहे हैं और जहाँ पर सीधा दिख रहा है वहाँ पर सीधा बनेगा। फिर हम आ जाते हैं सीधा सिलाई में। सीधा सिलाई में हमें सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर ये दो फंदा उल्टा बनाने के बाद फंदा पीछे कर लेंगे। अभी दो फंदा सीधा दिख रहा है, इसको हम फिर से डबल फंदा ऐसे करके लपेटेंगे। एक बार लपेट लिए और फिर दूसरा बार, और इसे हम सीधा बना लेंगे इसी के साथ। फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, सीधा को स्लिप करके फंदा डबल में लपेट लेंगे पहली बार, और ये रहा दूसरी बार, और फिर हम इन दोनों फंदा को सीधा बना लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे, फिर से फंदा लपेटेंगे और डबल फंदा इस तरह से लपेटेंगे एक बार और दूसरी बार,
फंदा पीछे करके दोनों फंदा को बना लेना है, दो फंदा उल्टा, फिर से ये दोनों सीधा फंदा हम इस तरह से लपेट लेंगे, एक और दूसरी बार ऐसे करके लपेट करके दोनों फंदा को बना लेंगे। और फिर सेम प्रोसेस हमें पूरा प्रोजेक्ट में रिपीट करते हुए जाना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।